विश्व का नंबर वन जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन, 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो, Facebook पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्व ज्ञान अभ्यास, विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाए। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8000456779427935116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की, आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तुलिभद्रद्यास्तु मंगलम अंगूठे अमृतवशे लब्धिदणाभण्डारी गुरु गौतम समर्ये वांछित फलदातार भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रवाणामुद्योदकं दलित पापतमोहितानां सम्यक् प्रणं विजिनपादयुगं युगादावालम्बनं भवजले पततां जनानाम् आदिमं ब्रूतवीनादमादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमाम्। हर व्यक्ति के संघ के अंदर कोई ना कोई गुरुदेव का पावन पधरामणी हो चुकी होगी। खूब भक्ति भावना के साथ में चातुर्मास की विशिष्टतम उजवणी के साथ में आज से हम लगातार अद्भुत महामंगलकारी कार्यक्रम को लेकर के आ रहे हैं। पूरा विश्व बढ़ेगा और पूरा जैन शासन आगे बढ़ेगा। इसी भावधारा के साथ मुख्य जो है वास्तु जो है, जब तक हमारा घर, हम बहुत बाहर से शुद्ध होना चाहते हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट करते हैं, बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आते हैं पूरी तरह से जैसे हमारी बैटरी खत्म हो गई है वैसा फील होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? और उसमें सबसे ज्यादा दोष आज और कल 2 दिन में आपको बराबर सारी ऐसी रेमेडी लिखा देने वाला हूं। आपके मन में भी भीतर में कोई भी वास्तु के लिए प्रश्न आए तो आप फेसबुक पर जाकर के कॉमेंट में खास डाले, जिससे कल जो हमारा खास सेशन जो है वो प्रश्नोत्तरी का है, जिसके अंदर आप पूरी तरह से 27 में ऐसी टिप्स भी आपको देने वाला हूँ और साथ साथ में आपको आपके मन में जो क्वेश्चन आंसर है उनके अपन आंसर प्रश्नोत्तरी करेंगे। जब तक आपके घर का टॉयलेट और बाथरूम ठीक नहीं होगा तब तक आपको दवाइयों से कोई भी मंत्र बचा नहीं पाएगा। पहले नंबर की आप चीज लिख लीजिए, क्योंकि जो मस्तक है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर, आज हम उसकी रेमेडी यदि है तो उसका निवारण कैसे करें। नॉर्थ ईस्ट सब देख लिए, उसके करोड़ों वीडियो यूट्यूब पर, प्रवचन में, सब जगह पे लिख लिए। तो पहले तो आप पहले लाइन में लिखिए, मेरे घर में कितने टॉयलेट बाथरूम है। सेकंड नंबर में वो कौन कौन सी दिशा में है, हमारे घर के अंदर जो मुख्य दिशाएं हैं उसको खास समझना है। और जितना ज्यादा अहिंसा युक्त जीवन होगा, आज हम 22 अभक्ष्य के बारे में भी सीखने वाले हैं। तो मुख्य हमारी पहले नंबर की बात कि आपके घर में कितने टॉयलेट बाथरूम है, किराए से रहते हो, भाड़े से है, कितने मकान है, सब घर बन गया है, बनाया हुआ घर आपने लिया है, तो उसका सोल्यूशन कैसे करें। आज हम जो भी बात करेंगे वो सोल्यूशन की बात करेंगे। तो पहले नंबर के अंदर आप देख लीजिए और समझ लीजिए कि टॉयलेट बाथरूम पहले तो कहां होना चाहिए, ये सबसे पहले आप क्लियर हो जाइए, सबसे पहले आप समझ लीजिए। चार्ट आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये जो दिशाएं हैं ये उसको बराबर नोट कर लीजिए। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा फिर आप लगातार लाख प्रयत्न कर लो,
व्यापार में, बीमारी में, तनाव में, टेंशन में, पहले नंबर के अंदर दक्षिण दिशा, सेकंड नंबर के अंदर पश्चिम दिशा और लास्ट के अंदर पश्चिम और उत्तर के बीच में, ये तीन जगह जो है प्रकृति के नियम के साथ में आप यदि चलते हो तो आपको बहुत ही सबसे बड़ा नेगेटिव हो तो ये ईशान कोना है। ईशान कोने में जिन्होंने भी बना दिया है महा तूफान, महा प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम में से बाहर निकलो दूसरी प्रॉब्लम का आना और हजारों लाखों रुपए बिना काम के वेस्टेज कर देना, तो इसकी सरल प्रक्रिया क्या है? बन गया तो बन गया। अब बन गया है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे करें, उसकी सॉल्यूशन की आज हम सारी बातें करेंगे। तो पहले नंबर की चीज आपने लिख लिया कि मेरे घर में कितने टॉयलेट बाथरूम है, उसी वो जो है हमारी पॉजिटिव एनर्जी, 5 घंटे 7 घंटे 10 घंटे भी जाप करने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो पहले नंबर के अंदर जो समुद्री नमक है, यदि आपके घर में ये जो मैंने तीन दिशा दिखाई है, ये तीन दिशा या तीन विदिशा में से कोई भी दिशा में नहीं है, इसके ऑपोजिट कोई भी जगह पे है, समझ लेना कि आपको बराबर उसकी नेगेटिविटी फील करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहला कार्य क्या करें? पहला कार्य आपको करना है समुद्री नमक, जो आपको कहीं से भी दुनिया में किराने वाले की वहां से, वहां इधर से उधर से सब जगह से आपको मिल जाएगा, समुद्री नमक का बराबर एक बड़ा कटोरा। और ये बार 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 बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैंने एक वास्तुशास्त्र के पास 10 पिरामिड लगा दिया, आपका मकान है 50 लाख का और 2000 का 5000 का, एक पिरामिड कभी भी पूरी जिंदगी आपको असर नहीं दिखेगा, ये कड़वा सत्य है, इसको स्वीकार लो और जीवन में सुधार लो। जो आप 50,000,000 रुपए की दवाइयां नहीं डालना चाहते है तो आप खास करके देख लीजिए, बार 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 जैसे हमको रोज स्नान करना पड़ता है, जैसे हमको रोज भोजन करना पड़ता है, जैसे समय समय पर हम कपड़े लेते हैं, जैसे समय समय पर हमारा बॉडी का चेकअप होता है, उसी प्रकार से ये हम जो पूरे साल साल आपको हमारे साथ में रखते हैं उसका एक कॉमन मिनिमम कार्यक्रम ये है कि बार 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 आपको आपके शरीर को शुद्ध करना है, बार बार आपके चक्रों को संतुलित करना है। जितने भी यंत्र है कोई भी गुरु महाराज ने आपको दिए है उनको खास करके बार 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 उसको चार्ज करते रहना है। यदि 1,00,000 रुपए का मोबाइल भी आपको रात को चार्ज में रखना पड़ता है तो समझ लेना कि 2-5-10,000 का यंत्र रख दिया और वो यंत्र काम करता रहेगा, वो एक कहानी है। इसीलिए पेंडुलम शास्त्र जो है वो आप सीखिए। पेंडुलम शास्त्र क्या होता है कि वो आपको एनर्जी को बताएगा कि आपने जो आपका यंत्र रखा है, आपका जो चक्रास है वो चक्र कितना संतुलित है, क्यों बार 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 अप डाउन अप डाउन अप डाउन हो रहा है। तो एक बड़े बाउल में समुद्री नमक आपको अमेजोन से, गूगल से, दुनिया भर में कहीं से भी, यदि गलत दिशा में नॉर्थ ईस्ट के अंदर है या तो जहां पर टॉयलेट और बाथरूम नहीं हो रहा है, बिना काम का खर्चा जा रहा है, बिना काम के बहुत सारे पैसे जा रहे हैं, बिना काम की शरीर का धुआं, एनर्जी वेस्ट हो रही है, 3-3 घंटे जाप मेडिटेशन करने के बाद भी आपका जीवन तनाव युक्त रहता है, 1 भी 20 पूरी नहीं हो रही है, तो समझ लेना कि कोई ना कोई एक नली के अंदर जैसे छेद रहता है और बहुत सारा पानी वेस्टेज होकर चला जाता है, उसी प्रकार से आपकी साधना सही है, आपकी भक्ति सही है, आपकी प्रार्थना सही है, आपकी क्रिया कर्म सब कुछ सही है, लेकिन एक जो ये स्थान ऐसा है कि जो एक उदय की तरह सारी एनर्जी को खा जाता है, तो समुद्री नमक, और जिसको महीने 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 में आप चेंज करो। हमने बहुत सारी ऐसी पावरफुल औषधि जिन जिन लोगों के पास रक्षा कवच पहुंच गए हैं, पहुंचने के पहले का इंतजार, अभी भावनगर से वीडियो आया, अकोला से वीडियो आया, भोपाल से वीडियो आया, ऐसी ऐसी पावरफुल, उसमें कपूर का जो खास स्प्रे है वो इसीलिए हमने वास्तु के लिए ही तैयार कराया गया है कि आपको लग रहा है कि मेरे इस कॉर्नर के अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी का दोष है तो स्प्रे के माध्यम से इसको मैं क्लियर करूंगा।
तो आपको क्या करना है, पहले आपको घर में कितने टॉयलेट बाथरूम है, पढ़ाई के लिए, बिजनेस ग्रोथ के लिए, हेल्थ के लिए, बराबर आप लिख लीजिए। आप जो रूम में सोते हो उसका खास सही है तो एकदम गुड, तो आप बहुत आगे बढ़ रहे हो। हमें दो चीजों के ऊपर कार्य करना है। पहले नंबर की चीज है हमारे भीतर में पॉजिटिविटी को बढ़ाना है, और दूसरे नंबर के अंदर हमारी एनर्जी को खींचने वाली नेगेटिविटी को रोकना है। गाड़ी में दो चीज होता है, एक्सीलेटर भी होता है और ब्रेक भी होता है। बहुत सारे लोग कैसे जैसे जैसे आगे भागते रहते और पीछे छूटता रहता है। तो ये बहुत बड़ी बात, पहले नंबर के अंदर गलत दिशा में अब हम ना मकान तोड़ सकते हैं, ना ऐसे हम पूरी फैमिली वो हमारे विचार को स्वीकार करे नहीं करे, पर हमें हमारे घर को सुरक्षित रखना है। मेरे मम्मी पापा भाई बहन पति सबको स्वस्थ रखना है। तो पहले नंबर के अंदर समुद्री नमक को गलत दिशा में टॉयलेट है तो उस बाथरूम में रखना है। समुद्री नमक का मतलब वो ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, आप अमेजोन पे डालोगे सीधा आ जाएगा, 100-200-500 रुपए का आपकी जितनी कैपेसिटी जितनी जरूरियात है वहां से आपको परचेस कर लेना है। आपके घर जो गांव में रहते हो वहां किराने वाले के वहां से भी मिल जाएगा। गलत दिशा में टॉयलेट है तो सेकंड नंबर का फटकड़ी का प्रयोग, बहुत बड़ा एक फटकड़ी का टुकड़ा टॉयलेट के अंदर रखिए। ये सेकंड प्रयोग हमारी आराधना साधना की ऊर्जा कोई खींचे नहीं और हमें पूर्ण परिणाम मिले। ये भी नहीं मिल रहा है आपके वहां पर, फटकड़ी भी नहीं मिल रही, आप कैसे एक छोटे से गांव में रहते हो। तो तीसरे नंबर की प्रयोग, लाल कलर की जो सेलो टेप आती है जो हम पैकिंग मटेरियल में यूज करते हैं, कहीं पर भी आप जा रहे हो किसी को और कुछ गिफ्ट दो या ना दो, आपको लग रहा है कि कैंसर हुआ है किसी को या बड़ी बीमारियां जिसको हुई है या जिस घर में से बीमारी जाने का नाम नहीं लेती है, आपको समझ लेना कि उस घर के अंदर टॉयलेट दूषित है। जो मम्मी ऐसा बोल रही कि मेरा बेटा धर्म में मानता नहीं है, या कोई व्यक्ति ऐसा बोले मैंने ये कर लिया वो कर लिया, ये जाप कर लिया, ये हवन कर लिया, ये अनुष्ठान कर लिया, फिर भी नहीं रिजल्ट है, तो उनको आपकी ओर से 20-25 रुपए का ये सेलो टेप का जो रोल आता है वो आप गिफ्ट कर दो उसको, 25 रुपए का 20 रुपए का रेड कलर का सेलो टेप का रोल। लाल कलर का जो सेलो टेप का रोल है वो खास करके जो भी टॉयलेट है उसकी दीवार के ऊपर, मतलब उसकी जो एंट्री है वहां पर आपको लगाना है। दरवाजा की चारों ओर, जैसे हम ये समझेंगे, आप ये यहां पर ध्यान से सभी लोग देखिए, जैसे यहां पर आपका नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि है तो यहाँ पर ये दरवाजा है, तो यहाँ पर ये रेड कलर का, ये मैंने ब्लू ले लिया है, पर आपको रेड कलर की, मान लो कि आपका उत्तर दिशा के अंदर नॉर्थ में टॉयलेट है तो पैसे का मनी क्राइसिस बहुत रहेगा, पैसा बिना काम का चला जाएगा, तो रेड कलर की पट्टी लेकर के आपको सीधा यहाँ पर लगा देना है। फिर से मैं आपको बताता हूँ, मान लो कि ये दरवाजा है, ये आपका दरवाजा है, तो यहाँ से चारों तरफ से ऐसे इसको बंद कर देना है। फिर से मान लो कि यहाँ ये तीन तो सही है, तो मान लो कि आपका बाथरूम इधर है और यहाँ पर ऐसा दरवाजा है, तो इनको चारों ओर से रेड कलर की टेप से लगा देना है, जिसकी इनकी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर प्रवेश ना करे, दवाई जाने का नाम नहीं ले रही है तो वहां पर आपको दुखी ना करे। और ये मैंने जितने भी आपको प्रयोग समुद्री नमक और फटकली वाले प्रयोग जो बताए हैं वो हर महीने आपको करने हैं। ये मैंने जो आपको औषधि भेजी है उसको अभी कंटिन्यू 7 दिन से आप स्नान करो, और उसके बाद जो आपके पास बचे वो आपको बचा के रखना है। फिर आपको जब लगे मेरे को बहुत गुस्सा आ गया है, बहुत भीड़ भाड़ वाली में जगह में जाके आ गई हूँ, तो उस वक्त आप पानी में डाल करके हमारे जैन धर्म के अंदर श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर जैन 10 श्रावकों के चरित्रों के अंदर
स्पष्ट रूप से बताया है, श्रीपाल राजा के राज के अंदर बताया हुआ है, माँ भगवान महावैष्णवी कल्पसूत्र ग्रंथ के अंदर बताया है कि महाराजा सिद्धार्थ कैसे स्नान करते थे। स्नान करना यानी ओरा शुद्धिकरण, विचारों का शुद्धिकरण। कोई व्यक्ति आपके बारे में बहुत बुरा 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 सोच रहा है, उनकी थॉट प्रोसेस बहुत बुरी चल रही है, तो उस वक्त वहां पर हमें वर्क करना है कि खास करके हम काम करेंगे कि उनकी सारी नकारात्मक एनर्जी हमसे दूर हो। कोई व्यक्ति आपकी एनर्जी खींच रहा है तो ये हो गए खास करके। और जीवन में बड़े बड़े यदि बदलाव नहीं ला सकते हो तो छोटे छोटे सिद्धांत जो है वो आपको बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त कराएंगे। और ये सारी बिना तोड़फोड़ वाली टिप्स है। तो फटाफट 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 एक बात आप समझ लो कि जिनके घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बाथरूम है, ये हमारा लगातार लंबे समय का जो रिसर्च है वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस घरों के अंदर मैक्सिमम असाध्य कोटि की बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारी, और उस घर का मैक्सिमम पैसा मेडिकल के अंदर जाता है। नॉर्थ ईस्ट यानी भगवान का स्थान, ईश्वर का स्थान, गुरु ग्रह का स्थान। और नॉर्थ ईस्ट में जब राहु होगा, टॉयलेट नैऋत्य में होना चाहिए, टॉयलेट वायव्य में होना चाहिए। राहु यानी गंदगी, टॉयलेट यानी गंदगी, गंदगी यानी राहु। क्योंकि ईशान कोण के अंदर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आपने राहु को विराजमान कर दिया है, लेटरिन बाथरूम में आपने ईश्वर के स्थान के अंदर राक्षस को रखा है, उस घर के मेंबर बिना काम के चिट्ठी होंगे। जो जो भी लोग आपको बोले भाई मेरे घर में बहुत छोटे बच्चे चिट्ठी हो रहे हैं, आपको तुरंत बोल रहा आपको चेक करो आपके घर में टॉयलेट बाथरूम कहां पर है। अभी तो वर्तमान समय के अंदर शहर बन रहे हैं, मकान सब छोटे छोटे हो रहे हैं, 1 BHK 2 BHK हो रहे हैं, यदि गलत दिशा में बन भी गए तब इसका सॉल्यूशन कैसे करें। मान लो कि घर के अंदर 3 टॉयलेट बाथरूम है, 2 सही है 1 गलत है, तो वहां पर क्या करें। तो पहली कोशिश ये करें कि गलत दिशा का टॉयलेट बाथरूम का उपयोग न करें। सब लोग जो दरवाजा है वो शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, सब लोग जो है वो मंदिर के अंदर एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सब चीज बाद में है। पहले नंबर की चीज ये है कि आपके अंदर से सबसे ज्यादा आपने सुबह में पूजा कर लिया है, आपने प्रतिक्रमण कर लिया है, आपने 2 घंटे नवकार मंत्र का जाप कर लिया है, फिर भी मेरे घर में जो सुख शांति का बैलेंस होना चाहिए वो नहीं है, तो क्या क्या मिसिंग है, क्या क्या हम ऐसा करें जिससे संतुलन हो। तो पहले नंबर में तो नॉर्थ ईस्ट वाला आपको बिल्कुल यूज नहीं करना है। यदि एक ही घर में एक ही टॉयलेट बाथरूम है वो भी नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या करें। तो कि उनके लिए भी 3 ऐसे में आज आपको प्रयोग लिखा रहा हूं। बहुत ज्यादा वास्तु दोष है, बहुत बड़ा वास्तु दोष है, तो वहां पर नीम के तेल का तेल यदि आप वहां पर यूज कर रहे हो तो नीम के तेल का तेल या नीले कलर का क्लीनर, ये खास, ये बहुत गंभीर विषय है, ये विषय आपको कहीं से भी सीखने को नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट की जो रेमेडी करीबन हमने 150 घरों में प्रैक्टिकल जो कराई है, आज तक जो हमने हजारों वास्तु देखे और उसके अंदर ईशान कोण में होते हुए लोगों का दिमाग खलास हो जाए। आप एक कल्पना करो कि दिमाग में रोज गंदे 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 टॉयलेट आपका, क्या इसका इफेक्ट क्या होगा। ईशान कोण में के अंदर टॉयलेट है तो आप सही सोच ही नहीं पाओगे, आपके पास हर टाइम 2 से 3 विकल्प खड़े हो जाएंगे, आपका डिसीजन पावर खत्म हो जाएगा। और उस जगह पे गंदगी 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 के कारण जो गलत डिसीजन होंगे वो आप पहले लेंगे, सही डिसीजन आप छोड़ देंगे। सेकंड नंबर के अंदर जब प्लस होता है पानी,
इसके कारण बार 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 जो लोग बोलते हैं कि मोटापा से आवे लोग कोड़ियों जतो रहे छे, आपके पास बहुत सारी तक आएगी, बहुत सारे बड़े बड़े काम करने का पूरा प्लान पेपर वर्क करेंगे, सब कुछ तैयार करेंगे, लेकिन वो कार्य कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि दिन में 5 बार 10 बार 30 बार फ्लशिंग चालू ही रहेगा, 1 फ्लशिंग 2 फ्लशिंग 3 फ्लशिंग। तो कि अच्छी अच्छी ऑपर्चुनिटी सारी सारी तको तमारा जीवन में क्यारे पण आवशे नहीं, अने आवशे वो आप लाभ नहीं ले पाओगे। तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट का। तो ये दूसरे नंबर के अंदर ये रखना है, और यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में है, ये नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम टॉयलेट और वहां पर ही यूज करना है, तो आखिरी दो चीज मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल इसको क्लीन रखो, मैक्सिमम जितना ज्यादा क्लीन रख सकते हो उतना क्लीन रखो, और वहां की टाइल्स जो है, जब आप इंटीरियर बना रहे हो या इंटीरियर आपको कोई पूछे या पूरा बाथरूम आप नहीं तुड़वा पा रहे हो, तो कोशिश करो कि उनकी जो दीवारें हैं वहां पर ब्लू कलर की टाइल्स लगाने से भी ईशान कोने का टॉयलेट का नेगेटिविटी कम होती है। और सबसे बड़ी बात, ये बार बार हम जितने भी क्लासेस ले रहे हैं, लाइव ले रहे हैं, ऑनलाइन ले रहे हैं, पानी के अंदर ऐसी शक्ति होती है जो बराबर शक्ति को एनर्जी को स्टोर करती है। अब आपको पता चल गया कि मेरा बाथरूम गलत है, मैं तोड़ भी नहीं सकता हूं, कोई रेमेडी भी नहीं कर सकता हूं, तो उसके लिए आखिरी दो ऑप्शंस है कि उस बाथरूम में पानी से भरी हुई बाल्टी सदैव रखे। नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है तो, और भयंकर यदि मान लो कैंसर आ गया है, बड़ी बीमारी आ गई, लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम के कारण मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चालू हो गई है, तो वनस्पति थेरापी के अंदर कोई भी जगह पे आपकी लाइफ में वास्तु दोष है, तो उसके लिए 10 मुखी रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो बहुत 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 वास्तु एनर्जी को बैलेंस करने में काम आती है। आज और कल 2 दिन तक हम पूरा ये वास्तु का बेसिक अभ्यास करने वाले हैं। 18 तारीख से हमारा मास्टर कोर्स शुरू होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताने वाला हूँ, और उसके अंदर पूरे भारत भर में से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग सीख रहे हैं। जिनकी लाइफ में फन नहीं है, आनंद नहीं है, एंजॉय नहीं है, वो क्या करे। कोई व्यक्ति, बहुत सारे हम लोगों को प्रश्न, पैसा बहुत है, एंजॉयमेंट, बंगले बहुत है, गाड़ी है, लेकिन आनंद नहीं है, फन नहीं है। आपके घर में 3 चीज यदि नेगेटिव होगी तो कोई चीज का आप ना रिलेशनशिप का आप आनंद ले पाएंगे, ना भोजन का आप आनंद ले पाएंगे, ना आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त बनेंगे। तो खास करके हैप्पीनेस की दिशा, आनंद की दिशा जो है, आपको लग रहा है कि मेरे दोस्त कम है, ना मैं एंजॉय कर पा रहा हूँ, ना मैं खुल के किसी को बोल पा रहा हूँ, या मेरे पास बहुत सोना है, ना मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन, उसका जो आनंद के ऊपर तिजोरी में भरा पड़ा है और आंख बंद हो जाएगी तो पैसा कोई काम का नहीं है। आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई प्रसंग ही नहीं आ रहे हैं कि कपड़े पहन के तैयार होकर कहीं पर आप जाओ। तो कि हैप्पीनेस की दिशा जो है, वो फन की जो दिशा है वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, पूर्व उत्तर पूर्व। जब ये दिशा के अंदर दोष आता है तब मस्ती खत्म हो जाती है, घर में हंसी मजाक नहीं होता है। बहुत सारे आज करीबन 200 परिवार हमारे साथ में जुड़े हुए ऐसे हैं कि जो लोग बोलते हैं कि हम लोग पूरी तरह से शाम को मेरे पतिदेव घर पे आते हैं, कोई हंसी मजाक नहीं है, ऐसे थके भूखे आते हैं सीधे वो रूम में चले जाते हैं, कोई ना चुटकुला होता है, ना कोई शेर शायरी होती है, ना कोई गेम होता है, ना कोई हंसी मजाक होती है, कोई वार्तालाप ही नहीं है। तो के फन की दिशा, आनंद की दिशा यदि ढूंढनी है, आनंद को संतुलित करना है,
प्रेम को बांटना है और प्रेम को लेना है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट दिशा को बराबर संतुलित करो। यदि वो दिशा कट हो रही है, वो दिशा बिना काम की हद से ज्यादा बढ़ी हुई है, तो पहले नंबर के अंदर मैंने आपको बताया कि यदि टॉयलेट आपका गलत है तो टॉयलेट के दरवाजे के बाहर आपको रेड कलर की टेप लगानी है। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ के अंदर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूर्व उत्तर पूर्व, बहुत डिटेल के अंदर हमने वास्तु कोष डिजाइन किया है जो 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है 3 दिन के बाद। यदि आपका उस दिशा में टॉयलेट है, ये एक चार्ट जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ईस्ट दिशा है, ये नॉर्थ है, तो कि ये जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट क्या दिशा, ये बीच का जो भाग है, यहां पर आपका टॉयलेट है, तो आपको समझ लेना है कि आपकी मस्ती बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, तो आपको इस प्रकार से टॉयलेट के अंदर आपको ग्रीन कलर की टेप लगाना है। जैसे ये टॉयलेट की सीट है, आप देख रहे हो, तो टॉयलेट की सीट के आसपास बड़ा चौड़ा 1 मीटर का 1 इंच का बड़ा पट्टा, ये रेड कलर है, आपको बराबर ये ग्रीन कलर का पट्टा लगाना है। आपके जीवन के अंदर यदि आनंद नहीं है, यदि आपके नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ के अंदर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर गैस स्टोव है, अग्नि तत्व है, तो जिन जिन लोगों को लग रहा है बहुत 5-स्टार होटल में खाना खा के आ गए, 5 दिन ट्रिप घूम के आ गए, ग्रीन मार्बल चाले, ग्रीन कलर इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा रखना है। आखिरी में मैं आपको ग्रीन मार्बल ही बताने वाला था, और ग्रीन गमले के अंदर अलग अलग प्रकार के पौधे भी आप रख सकते हो। यदि आपको लग रहा है कि यार बहुत 10 दोस्त मिल गए, बहुत एंजॉय किया, पार्टी किया, खाना खाया, लेकिन जैसे घर पे आते हैं अधूरापन महसूस होता है, जो आपने आनंद को लूटा है वो पूर्णता की ओर आपको नहीं लेके जा रहा है, जब आपको ऐसा लगे, जब जब भी आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट गैस स्टव होगा, गैस की सगड़ी होगी, तब आपको हर चीज के अंदर अधूरापन लगेगा। अर्चना जी ने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है कि अग्नि कलर में टॉयलेट हो, अग्नि कलर में टॉयलेट नहीं रखना है, टॉयलेट तो इस दिशा में रखना ही नहीं है, आपको तोड़ ही देना है, लेकिन आपके पास जब कोई भी विकल्प नहीं रहता है तब ये कुछ समय के लिए आपको टेम्परली राहत को देता है। तो आपको पहली कोशिश तो यही करना है कि भाई यहाँ पर ये नहीं चलेगा, अब लग रहा है कि भाई अब नहीं कोई रास्ता, हम तोड़ नहीं सकते, 2-5 लाख का चेंजेस नहीं कर सकते, हमको कैंसर से बचना है, उनके लिए रेमेडी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रश्न पूछा, खूब खूब बहुत सारे आपके मन में जो जो भी प्रश्न है, जो जो भी चीजें हैं आप पूछेंगे लिखेंगे, तो उससे ज्यादा आपकी भी क्लियरिटी बढ़ेगी, और खास करके और भी बहुत सारे लोग जो है वो डिटेल के अंदर सीख सकते हैं। रेड मार्बल ना चाले, पट्टी ही लगाना है, और ये मैं सारी रेमेडी आपको अभी बताता हूं, अभी टूक समय के अंदर ऑल ओवर इंडिया में और दुबई के अंदर अभी हमारे सारे वास्तुशास्त्री तैयार हो रहे हैं। आप सभी लोगों को यदि अपने पैसे को बचाना चाहते हो, अपनी लाइफ एंजॉयमेंट करना चाहते हो, एक रियल में जैसे लाइफ का जो कोच है वास्तुशास्त्री को दिखा करके आप रहिए। जियोपैथिक स्ट्रेस इतना बढ़ रहा है, लाखों रुपए के बिल आ रहे हैं,
और अपना जीवन आपका पूरा खत्म हो जाएगा। तो हमारे वास्तुशास्त्री 28 वास्तुशास्त्री हम तैयार कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर, हर राज्य के अंदर एक एक वास्तुशास्त्री को रखेंगे। आपको उनको अपने घर पे बुलाना है और प्रॉपर रूप से घर पे बुला करके कुछ भी करो बराबर, लेकिन हमको हमारे परिवार की रक्षा के लिए बिना दवाई के घोखा खाने के बगैर दवाइयों की सीरीज दवाइयों की वो रिबा रिबा के यदि आपको मरना है तो ऐसे दूषित नेगेटिव वातावरण के अंदर आप रहिए। आनंद के साथ जीना है, जितना समय आप जिए आनंद के साथ जिए तो बराबर अपनी कुंडली और वास्तु, जैसे हर 2 महीने 3 महीने में इंसान अपने बॉडी का मेडिकल चेकअप कराता है, उसी प्रकार से बार 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 अपने सेवन चक्र का चेकअप, अपने जन्म कुंडली का एनालिसिस और अपने घर का एनालिसिस। आज आपने वास्तु दिखा दिया, 2 पिरामिड लगा दिया, उससे काम नहीं होने वाला है। वो 2 पिरामिड की एनर्जी बार 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 3 महीने 6 महीने में चेक करना है और आपको जो सिखाया है आपके जो इष्ट मंत्र है वो आपको खास करके पूरी तरह से अपन आगे बढ़ सकते हैं। वास्तु प्रमाणे करेलू घर एनी असर केटला टाइम मा थाय, तरत पंखो चालू करो तो भाई एक ही पंखो 2 દિવસ 5 દિવસ પછી નો થાય તરત થઈ જાય। અત્યારે આપણે રક્ષા કવચ જેમ લોકોને મળ્યા નથી એ પહેલા જો એ રક્ષા કવચની ઉર્જાનો અનુભવ થતો હોય, અત્યંત આનંદ અને ખુશી થતી હોય, તો તમે પ્રોપર સારા માણસ પાસે ને પ્રોપર તમારા ઘરનું વાસ્તુ કરાવો એટલે એની અસર થાય થાય થાય। દવા આજે ખાઓ પછી મહિના પછી હાજા થાય એવું ન હોય, એની દવાની જે બેઝિક અસર છે એ તુરંત ચાલુ થઈ જ જાય। દરેક વસ્તુ જે છે એ કોઈ ને કોઈ એનર્જી, કોઈ બી ચીજ છે કોઈ ને કોઈ એનર્જી ક્રિએટ કરતા હે, ચાહે વો શુભ કરતા હે ચાહે વો અશુભ કરતા હે। ફિર આપ દોષ બડાઓ ઓર ચીજ છોટી કરાઓ તો ઉસસે આપકો રિઝલ્ટ નહીં હોતા હે। કિતને સમય વો કિતના સમય નહીં બતા સકતે હે ये इन्होंने अच्छा प्रश्न, भाई जैसे हमने आज वास्तु करा दिया तो उसका समय रेखा क्या है, तो मैंने क्या बोला हर 3 महीने आपको एनर्जी, जैसे अभी आपने मेडिटेशन किया चक्र को संतुलित किया और दूसरे समय में कोई काम वाले ने कांच का ग्लास फोड़ दिया और उसके ऊपर आपने गुस्सा किया तो विनय भाई आपका चक्र संतुलित रहेगा तो कितना मिनट में चक्र तुम्हारो डिस्टर्ब थी गयु साहेब? प्रणाम गुरु जी बोलो। अपने मेडिटेशन करके अपने चक्रों को संतुलित किया है, एकदम ऊर्जावान बन गए, सारे चक्र संतुलित हो गए और कोई भी कारण से आपने दूसरे मिनट ही अति से भयंकर गुस्सा किया या आप जो नहीं चाहते वैसी घटना हो गई तो आपके चक्र कितने समय तक संतुलित रहेंगे? तुरंत ही असंतुलित हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा सर। जिज्ञा में जवाब मड़ी गया तुमने, तो बार 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 आपको जो है वो उपयोग युक्त रहना है, सावधानी के साथ में रहना है और उपयोग युक्त और सावधानी के साथ में जो मनुष्य रहता है, इसीलिए हमारे धर्म में 2 चीज बताई गई है, पहले नंबर के अंदर विनय है और दूसरे नंबर के अंदर विवेक है। वास्तु कोर्स की फीस संदीप टीसा 25,000 रुपया है, 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। क्या क्या हम सिखाएंगे वो भी मैं देने बताने वाला हूँ। ओनली फॉर 28 व्यक्ति ही हमें लेना है, 7 व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो हमारी बात चल रही थी गेस्ट हाउस यदि है तो आपको क्या लगेगा, कहीं से बढ़िया 5-star होटल में भी आप खाना खा के आओ, सब्जी में थोड़ा मजा नहीं आया, आज सलाद बहुत अच्छा नहीं था, तो क्या हर खुशी खत्म हो जाने के बाद भी आपको थोड़ा सा जो है वो कमी महसूस होना, इसको बोलते हैं अग्नि ईशान कोण के अंदर गैस स्टोव रखना। तो कि क्या करेंगे, अब गैस स्टोव है ईशान कोण के अंदर, हमने किचन बना दिया है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने किचन बना दिया है, तो वहां पर आपको खास करके नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रखना। जब जब भी वास्तु ऊर्जा बैलेंस करते हो प्रकृति के नियम के साथ में जो जो भी चला है, क्यों हमें मंदिर के अंदर आनंद आ रहा है, सीधी सी बात आप समझ लो, तो कि मंदिर वो जगह है कि जहां पर
99% वास्तु को संतुलित किया जाता है। पहले नंबर की चीज कैसे संतुलित करते हैं, क्योंकि भूमि पूजन, शिलान्यास, पत्थर, पहला पत्थर मुको, भगवान का प्रवेश कराओ, और हर बार विधि के साथ में, उत्तम द्रव्यों के साथ में। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भगवान के नीचे चांदी का सिक्का रखा होगा, किसी ने भगवान भराने का बोला होगा तो सोने की अंगूठी रखी होगी, तो के धातु से पंच जो धातु है, सप्त जो धातु है, तो वो खास करके ग्रीन स्टोन नीचे किधर रखना है, गेस्ट हाउस के नीचे। यदि आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर गेस्ट हाउस है और आपको लग रहा है कि मैं इतना एंजॉय फाइव स्टार होटल में खाना खा के आई, दोस्तों के साथ घूम के आई, कहीं पर भी मेरे को बड़े बड़े कपड़े लिए, और कपड़े जब मैं खरीद रही थी तो बहुत आनंद आ रहा था, लेकिन जैसे ही लेके आई तो यार इससे अच्छा वो रेड वाला ले लेता तो अच्छा था, पिंक वाला ले लेती तो अच्छा था। तो कि हर खुशी के बाद थोड़ी सी कमी यदि आपको महसूस हो रही है तो जो फन की दिशा है तो उनको बराबर आपको चेक करना है। अग्नि कोने में टॉयलेट नहीं चले, कर्जा बढ़ी जाए बेन, बिना बेन जवेरी। अग्नि कोने में ओनली फॉर अग्नि ही चाहिए। आप कल्पना करो कि अग्नि नीचे चल रहा है उसके ऊपर पानी का बम्बा चालू करो तो क्या होगा, अग्नि बंद हो जाएगा। तो आपको ओनली फॉर मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से आधा या मेहनत से 25% आपको अर्निंग, जो अभी पुण्य का उदय है तब तक आएगा, बाकी एक एक रुपये तक आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो हमें प्रकृति के जो नियम है उसका पालन करना है। और मंदिर भी इतने ऊर्जावान क्यों रहते हैं, आपने देखा होगा कि संकेश्वर का मंदिर जो है वो इतना जबरदस्त ऊर्जावान है, मणिलक्ष्मी का मंदिर जो है अत्यंत ऊर्जावान है, पालीताना का मंदिर है वो इतना ऊर्जावान है, और हमारे गांव में कुछ ऐसे मंदिर है वहां 5 लोग भी दर्शन करने नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि समय समय पर वहां पर विशिष्ट औषधियों से अभिषेक होता है, अखंड दिया होता है, सुगंधित धूप होता है, ये आपको कपूर का स्प्रे हमने भेजा है। खास करके जिनके दिमाग में बहुत सारे विचार के कोष्ट भरे हुए है, 5 साल पहले मुझे ये बोला है, 10 साल पहले मुझे ये बोला है, कपूर का ओरा क्लीनिंग स्प्रे आपके विचारों को क्लीन करता है। औषधि स्नान में कपूर स्नान सबसे प्रभावशाली स्नान। तो ये मंगलकारी दिव्य साधना हर घर जो है वो आनंद युक्त, स्वर्ग वर्ग की बातें भूल जाओ, न स्वर्ग आपने देखा है न स्वर्ग हमने देखा है, हमने कर्म किए तो कहीं ना कहीं तो जाना है, लेकिन हमारी कोशिश, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था सुंदर बनाई है कि हम हमारे घर को ही स्वर्ग बनाए। ये 4 महीना हमारी पालीताना की अलग अलग जगह की यात्रा बंद हो गई है तो हमारा घर ही पालीताना बन जाए, हमारा घर ही संकेश्वर बन जाए। तो वो ऊर्जा, वो भावधारा, खुशी के पल। और एक बात लिख लेना, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है उसकी सिंगल लाइन की मैं आपको बात बता दूं, जिसके घर में हंसी नहीं है, जिसके घर में आनंद नहीं है, जिसके घर में प्रसन्नता नहीं है, खुशी के पल नहीं है, उस घर भडवान से जो हमारा एक संकेश्वर का संघ निकलने वाला था, ये दक्षिणावर्ती संघ की मैं आपको चातुर्मास में हमारे खास करके आगे बहुत सारी पूजाएं आने वाली है। 30 तारीख से नागपंचम जो आ रही है, कालसर्प, 12 प्रकार के कालसर्प योग, ब्रह्मांड के अंदर सैकड़ों पत्रिकाओं के अंदर कालसर्प योग रहता है, किसी में शुभ परिणाम देता है, किसी में अशुभ परिणाम देता है, बहुत सारे हम 3 साल से लगातार ये कालसर्प योग की पूजा करा रहे। जो जो लोग ये कालसर्प योग की और पितृ दोष की पूजा करते हैं, ऐसा ऐसा प्रभाव कितने सारे लोगों को, अभी अभी हमारे साथ में पढ़ने वाले बहन 12 साल के बाद उनको कोर्ट में विजय मिला। तो नागपंचम के आगे 3 दिन नवग्रह की मां साधना करेंगे, कालसर्प योग की पूजा करेंगे, और ऐसे उत्तमोत्तम भावों के साथ में बार 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 पूजन करते 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 खुशी के पल उनके पास ही आते हैं, लक्ष्मी जी उन्हीं के पास आती है। छाणा छाणा छेट का दृष्टांत जैन धर्म के अंदर बताया है, उनके पास ऐसा दक्षिणावर्ती पूरा जबरदस्त कोटि का रियल जिम्ना संघ
जो जोते समय में आज से बहुत साल वस्तुपाल तेजपाल की यानी हजारों साल पहले की मैं आपको घटना बता रहा हूं। योगानुयोग उसके पास ऐसा पावरफुल संक आ गया और संक आने के बाद रमजम रमजम करती लक्ष्मी आई। लक्ष्मी आने के बाद उसने बिल्कुल पैसा खर्च नहीं किया, न आलास कंकास झगड़ा पैसे को तिजोरी में भर के रखना। और वो शरीपाली संघ संकेश्वर की ओर जा रहा था और उस वक्त अगले दिन महालक्ष्मी माता उसको सपने में आई, छाणा सेठ तेरा पुण्य खत्म हो गया है, कल गांव के फादर के अंदर वस्तुपाल तेजपाल आने वाले हैं, तेरे पास जो जबरदस्त दक्षिणावर्ती संघ है। कि अब मैं आपको वास्तुशास्त्र का क्यों सिखा रहा हूं कि जिस घर में प्रेम नहीं, जिस घर में श्रेय नहीं, जिस घर में बड़ी लोगों के प्रति आदर नहीं, जिस घर में डबलिंग चलता है, बाहर से मुंह मीठा है और अंदर में कटुता भरी हुई है, आप लाख प्रयत्न कर लो, लाख सिद्धियां हासिल कर लो, लाख बड़े बड़े अनुष्ठान कर लो, कभी भी आपके घर में लक्ष्मी आने वाली नहीं है। छाणा सेठ के घर में वो रात को स्वप्न में महालक्ष्मी माता प्रकट हुए और छाणा सेठ को बोला कि तुमने कहीं से भी ये बड़ा पावरफुल संघ तो ला दिया है, लेकिन इस संघ की ऊर्जा को तू अब सहन नहीं कर सकेगा। ये संघ करोड़ों रुपया देने वाला है और काफी समय से तेरे पास था, तुझे तो करोड़ों रुपया समाज में बांटना चाहिए था, दानशाला खुलाने की, हजारों लाखों गरीबों को ऊपर लाने चाहिए थे, बड़े बड़े फैक्ट्रियों से समाज का उद्धार करना था, लेकिन तूने संघ की ऊर्जा का सदुपयोग नहीं किया है, इसीलिए मैं तेरे घर से कल जा रही हूं। ये शास्त्र का संघ कल्प के अंदर दृष्टांत, बहुत सारे लोगों के घर में संघ है, संघ बजाना सीख जाओ। यदि जीवन के अंदर कभी आपको बाईपास नहीं करना है, अपनी छाती को एकदम मजबूत रखना है, सबको एक बड़ा बड़ा छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करो और अमेजोन के ऊपर से बढ़िया वाला एक संघ ला करके रखो, और कुछ भी नहीं है तो थोड़ी थोड़ी बार दो पांच मिनट में फूंक लगाना शुरू करो। कभी भी जीवन के अंदर लंग्स की प्रॉब्लम आपको जीवन भर के अंदर कभी नहीं होगी। और लक्ष्मी जी ने आकर के बोला कि मैं जा रही हूं, वो डर गया, पर जो होना चाहिए उसको जगत में कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है। दूसरे दिन उठा, चांदी के थाल के अंदर बहुमूल्य अति प्रभावशाली दक्षिणावर्ती शंख लेकर के उन्होंने वस्तुपाल और तेजपाल को दे दिया। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आज आपको मौका मिला है, लगा दो चौका। आज आपके पास 1,00,000 रुपया है, उसको खर्च करने की आपकी ताकत है, आपकी शक्ति है, तुरंत दान करो, तुरंत सत्कार्य के अंदर आप लगाइए। और इसी प्रकार से जहां पर स्नेह हो, जहां पर प्रेम हो, जहां हमारी बात चल रही थी फन की, आनंद ही पैसा है, आनंद ही स्वस्थता है, आनंद ही जीवन के अंदर यश है और आनंद ही जीवन का सर्वस्व है। आनंद नहीं है, जो व्यक्ति हंस नहीं सकता है वो व्यक्ति कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं, नो मंत्र गिनने के लायक नहीं है। मंत्र गिनने के साधक के लक्षण के अंदर पहले नंबर का लक्षण है जिनका प्रसन्न वदन रहता है। साधक किसको बोलते, नवकार मंत्र गिनने वाले का लक्षण क्या, पार्श्वनाथ भगवान पद्मावती माता के गिनने वाले व्यक्ति का लक्षण क्या, उपवास करो, आयंबेल करो, चोवियार करो, नवकार सी करो, कौन सी दिशा में बैठो, सब बाद में है। पहले नंबर की बात है प्रसन्न वदनम, जेनी सकारात्मक सोच छे, जिनके चेहरे पर मुस्कान है, जिनके हृदय के अंदर जगत मात्र के कल्याण करने की भावना है। और जब आपके भीतर में जगत कल्याण की भावना आ जाती है, दुनिया का बाद में कल्याण होता है, उनसे अनंत गुणा कल्याण आपका स्टार्ट हो जाता है। खेडूत एक मुट्ठी गेहूं डालता है खाली, एक मुट्ठी, और ईश्वर कहता है कि जा, तूने मुझे एक मुट्ठी दिया ना, मैं अनंत मुट्ठी देने के लिए तैयार हूं। चातुर्मास की पावन पवित्र साधना चल रही है, कई सारे लोग जबरदस्त कोटि की साधना तपस्या जप तप ध्यान कर रहे हैं। ये वास्तुशास्त्र में इसके लिए सिखा रहा हूं आज आपको कि सही दिशा के अंदर जब आपको करते हैं, और ईश्वर की दिशा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ईशान कोण जो है वो ईश्वर की दिशा इसलिए कही गई है कि यही वो दिशा है जहां से सीधा हमारे विश्व यजमान सिमंदर स्वामी जी भगवान के साथ सीधा कनेक्शन।
जितने भी हमारे स्थानक वासी है, जितने भी तेरा पंथी है, जिनके घर में मंदिर नहीं है, लगभग तो ऐसा कोई जैन का घर हिंदू का घर नहीं होगा कि जहां पर मंदिर नहीं होगा। मान लो कि आप चुस्त स्थानक वासी हो, मूर्ति पूजा को नहीं मानते हो, कोई बात नहीं, खाली आपको ऊर्जा का अनुभव भी करना है। मैं हीलिंग के लिए आपको जो लेसन देता हूं कि जीवन के अंदर यदि एक ग्लास पानी का दान देने का आपको अवसर मिले तो उस व्यक्ति को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर ईशान कोने में बिठा करके आप एक ग्लास पानी पिलाइए, वो पानी नहीं है, अमरूद। तो फन चाहिए हमारी आज के पूरे कार्यक्रम का, हर चीज के अंदर आनंद आनंद आनंद। हमने पूरा उल्टा कर दिया है, मंदिर में जाते हैं तो घर की बातें करते हैं और घर में मंदिर की बातें करते हैं। जब ये सीधा हो जाएगा, सुबह में उठो तो आनंद है, खाना खाओ बैठो तो आनंद है, पति के साथ बैठो तो आनंद है, टीवी देखो तो आनंद है, आनंद ही मेरा जीवन है और आनंद ही मेरा मृत्यु है। और इसीलिए लिखा समाहि मरणम च बोहि लाभो। यदि आपको समाधि में मृत्यु भी चाहिए तो उनको ही समाधि में मृत्यु मिलता है, नहीं तो आपको ये सब रखोगे तो सोने के घोके खाके आपको बाप लिया, बचा लो मर गया, ये हो गया, वही होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बैठ के खास आप ध्यान करो, एक एक तीर्थंकर भगवंत के पास 100-100 करोड़ साधु और 100-100 करोड़, खाली आपका एक प्रणाम जो है ना, जिनको अमाप लब्धि चाहिए, अमाप शक्ति चाहिए, शास्त्र कहता है कि वो सभी लोग। और हमारे प्रतिक्रमण के अंदर भी बताया गया है कि जब हम सिमंदर स्वामी जी भगवान आदि का चित्य वंदन भी करते हैं तो उस वक्त हमारा जो मुंह है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हम डाल कर रखते हैं। और आखिरी चीज, ब्राउन कलर की एक बढ़िया फ्रेम, फोटो फ्रेम आपको लानी है। जिनको व्यापार की जबरदस्त वृद्धि करना है, एकदम पावरफुल आज आपको टुचका लिखा रहा हूं, जिनको प्यार प्रेम और कन्विंसिंग पावर के आप बोलो और सामने वाला तुरंत राजी हो जाए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको जो एकदम आनंदित पिक्चर है, लव का पिक्चर है, प्रेम का पिक्चर है, आनंद का पिक्चर है, हंसता हुआ युगल का पिक्चर है, हंसता हुआ हंस की जोड़ी का पिक्चर है, ये जो अष्टमंगल है ना, अष्टमंगल उनके रहस्य के अंदर मिन्म युगल, विश्व के अंदर 8 ऐसे एंटीना है, जैसे एयरटेल की सीम आती है, जैसे आइडिया की सीम आती है, वैसे जैन धर्म के अंदर हर जैन के दरवाजे के ऊपर अष्टमंगल क्यों लगाए जाते हैं, लता जी बागानी, अष्टमंगल क्यों लगाए हैं आपके घर के दरवाजे के बाहर? प्रणाम गुरु जी, प्रणाम करती हूं। प्रणाम प्रणाम। अष्टमंगल नेगेटिव दूर करने के लिए लगाते हैं, उससे होता क्या है? वो तो क्या है, हमको कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो नेगेटिव में से पॉजिटिव, वो नहीं, लॉजिकल बात करनी, ये भाव, ये सारे जवाब जो है ना वो सब भावधारा वाले हैं, दिमाग में बैठे हुए उसे जवाब नहीं है। घर के सभी कार्य में मंगल हो, घर के सभी कार्य में मंगल हो, बराबर, ये बेसिक आपका जवाब जो है सही है। लेकिन हर व्यक्ति को कल मैं पूछूंगा 8-8 मंगल का, हर हमारे जैन साइंस के अंदर एक एक चीजों के पीछे, कोई गधे थोड़ी थे हमारे पूर्वज के सिंहासन का आकार बना दिया, वहां मछली डाल दिया, वहां एक घोड़ा डाल दिया, ये डाल दिया, स्वस्तिक डाल दिया, नंदावर डाल दिया, कोई तो हर एक दिशाओं का महत्व है। जैन धर्म ही एक ऐसा पावरफुल धर्म है कि जहां पर यम देवता की पूजा होती है। यम का मतलब जानते हो पल्लवी जी? यम का मतलब क्या होता है? गीता बेन, यम नो मतलब शू थाय छे? बोल
यम एटले यमराज क्या होता है? यमराज ओके वो क्या कार्य करता है यमराज? जो हमारा जीवन को खत्म करेगा, जो हमारे जीवन को एक यात्रा से दूसरी यात्रा को स्टार्ट करने के लिए दक्षिण दिशा के अधिपति, साउथ के अधिपति यमराज, कोई भी जगह पे शांति स्नात्र पूजन होता है, कोई भी जगह पे प्रतिष्ठा होती है, क्योंकि 10 दिक्पाल में से एक दिक्पाल यमराज का पूजन होता है कि हमारा प्रत्येक व्यक्ति को समाहि मरणम च गोविला भुवः, मृत्यु के अंतिम समय के ऊपर आप सोए हो और कोई महाराज साहब आ जाए, कान में नौकार मंत्र सुनाए, आशीर्वाद दे, अंतिम नियामना कराए। और एक बात आप लिख लेना, एक जन्म सुधरने से हजारों जन्म सुधरने वाले नहीं है। आपका मृत्यु बिगड़ गया मतलब आगे आने वाले कई जन्म आपके दुर्गति के अंदर। और इसी भावधारा को देखते हुए, इसी भावधारा को समझते हुए फन की दिशा को बराबर मजबूत बनाइए, प्यार को, मोहब्बत को बराबर, स्नेह को, संवाद को जब आपके घर में ज्यादा होगा। और उसी के लिए हमने ये पूरी जबरदस्त कोटि की आप सभी के लिए तैयारी की है। लगातार हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती रहती है। 18 जुलाई से बराबर हमारा एक नई बेंच स्टार्ट हो रही है। हमारी ऐसी इच्छा है कि पूरे विश्व भर के अंदर ऐसे 28 लोग हमें मिले कि पूरे ये जो जैन वास्तु का, वैदिक वास्तु का अद्भुत कोर्स है, आज कई सारे लोगों के हजारों लाखों रुपए मेडिकल के अंदर हजारों लाखों रुपए कर्जे हो जाते हैं। आप उछीने पैसे किसी को दे देते हो, पैसे जब वापस नहीं आते हैं और उस वक्त जो पेन होता है, कितने सारे लोगों ने ये कोरोना काल के अंदर या जब बीमारी का समय आता है उस वक्त कितनी अरमान के साथ बने या बनाए हुए गहने बेच देने पड़ते हैं, तो उन सभी चीजों को एकदम डिटेल के साथ में 18 तारीख को पूरा हमारा वास्तु कोर्स की समझूती होगी। 19 तारीख को चार दिशाओं का संपूर्ण ज्ञान, कौन सी दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, जो आपने यदि गलत दिशा के अंदर रखा है, कितनी भारी कीमत, कितनी भारी पैसा और शरीर से आप खलास हो सकते हो, क्यों आपको कर्जा बढ़ता जा रहा है, चार जो विदिशा है उनका जबरदस्त विज्ञान। वैदिक परंपरा जो है वो 9 दिशा को मानती है, हम लोग 10 दिशा को, पाताल को भी मानते हैं, क्योंकि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा और हर मकान के अंदर जैसे जमीन में से जियोपैथिक स्ट्रेस आता है, उसी प्रकार से आकाश में से, बादल में से जैसे बारिश आती है, वैसे सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा की भी ऊर्जा आपके मकान को असर करती है। और आकाश के अंदर सकल तीर्थ महातीर्थ के अंदर सूत्र के अंदर बताया है कि जितने भी ये विमान है उनके अंदर विराजमान सभी तीर्थंकर भगवान, सूर्य को नमन है, चंद्र को नमन है। घर की संरचना कैसे करें, किस दिशा में बराबर बच्चों को बिठाए, जिससे लाखों रुपए की जो स्कूल की फीस है, जो आप कैरियर बनाना चाहते हो, एंड समय के अंदर सीए में इंसान फेल हो जाता है, और विरुद्ध दिशा में है तो उसका उपाय क्या है, मकान 50 लाख का या 5 करोड़ का ले लिया, अब क्या करें, अपना तोड़ सकते हैं, तो उनकी एकदम सरल रेमेडी जो हमने अभी तक करीबन 400 से 500 घर, फ्लैट, ऑफिस, फैक्ट्री सब देखा है, उसका सारा निचोड़। लक्ष्मी के लिए ऑफिस की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, मुख्य व्यक्ति को कहां पर बैठना चाहिए, आज बहुत सारे लोगों ने, 50 लोगों ने पूछा कि इस दिशा में क्या कलर होना चाहिए, इस दिशा में क्या कलर की जो थेरापी है, सफेद कलर को देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, श्याम कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ग्रे कलर, पंच जो तत्व है, जहां पर पानी होना चाहिए, बहुत सारे लोगों ने गैस की सगड़ी और पानी का मटका पास पास में रख दिया है, पंच तत्व का संतुलन कैसे करेंगे, उनके बाद वास्तु के साथ साथ में यदि ग्रहों का संतुलन हो जाए तो नवग्रह की मंत्र साधना जाप, एक एक ग्रह, यदि मान लो कि आपकी पश्चिम दिशा खराब है,
शनिदेव का कैसे आप जाप करके पश्चिम दिशा को ऊर्जावान, विदेश के लिए आपने फाइल रखी है, फाइल क्लिक नहीं हो रही है, बड़े भाई के पास हमारे बंटवारे के पैसे लेने, वो पैसे नहीं आ रहे। तो पूरी तरह से 29-30 तारीख को ये पूरी तरह से हम नवग्रह साधना, और 2 तारीख को खास करके हम लोग जो है कालसर्प योग, श्रापित दोष, नक्षत्र दोष, ग्रह दोष, उनकी पावरफुल आराधना और साधना करेंगे। खास करके हमने 350 ऐसे पावरफुल प्रयोग बनाए हैं जो हम आपको पूरी तरह से, मेरी जिंदगी की पूरी नोट आपको दे दूंगा, जो आप कहीं पर भी आपको जरूरत पड़े, आपके परिचित में सभी लोगों को पूरी तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हो। आपके रिलेटिव की फैक्ट्री है, लंबे समय से बंद है, उसको बेचना है, उसको चालू करना है, मशीनरी का प्रॉब्लम आ रहा है, माल का प्रोडक्शन बराबर नहीं निकल रहा है, स्टाफ की प्रॉब्लम बहुत है, माल डैमेज बहुत होता है, माल रिटर्न बहुत आता है, क्या करे। 11 अगस्त को व्यापार रुचि वास्तु का प्रयोग। जीवन के अंदर रोग तब ही आता है जब आपके घर के अंदर गलत जगह के ऊपर आपने अटाला रखा है। घर के अंदर बहुत सारी घड़ियां बंद है, घर के अंदर बहुत सारे नल टपक 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 चालू है, तो उन सभी चीजों को, हर रोग, करीबन 40 रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, नैऋत्य कोने में 2, साउथ वेस्ट में 2 से क्या आएगा? क्यों आज चारों तरफ शुगर के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं? तो हर दोष की चर्चा, उसको कैसे दूर करें, और खास करके 2 दिन हमने प्रश्नोत्तरी रखी है, आपके जो जो भी प्रश्न है वो हमें पूछिए, हम हमारे पूरे एक्सपर्ट वो सारे प्रश्नों का हम आपको जवाब देंगे। नया मकान का प्लानिंग कर रहे हैं, अभी ये मकान में जो रह रहे हैं वहां तो वास्तु दोष है, सब कुछ हो गया, लेकिन नए मकान का प्लान कैसे बनाएं कि जहां पर हमारे बेटे बेटियों का, बहुओं का IVF कितने लोगों को कराना पड़ रहा है, संतान के इश्यू कितने लोगों को है, उन सभी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को, और जिन लोगों को इसको बराबर समाज के अंदर खुशियां बांटनी है, कई सारे हमारे साथ से विद्वान लोग बैठे हैं जिन्होंने संकल्प लिया कि हम हमारे राज्य के अंदर हर व्यक्ति को ये सही ज्ञान प्रदान करेंगे। कितने सारे लोगों को बिचारे को पता ही नहीं है तो क्या करें, इसे उलझे। परसों ही मुझे सांगली जिले में से फोन आया, एक बहन, इतने समय से उनकी बहन की शादी नहीं हो रही थी, अलग अलग व्यक्तियों के पास से मार्गदर्शन लिया, सब लोगों ने अच्छा ही मार्गदर्शन दिया, लेकिन मन में ऐसा भाव था कि मुझे जैन विधि से सब कुछ कराना है। और कोई व्यक्ति ने, हमारे परिचित कोई व्यक्ति ने वीडियो शेयर कर दिया होगा गूगल पे, उन्होंने जैन एस्ट्रोलॉजर नाम डाला, जैन अनुष्ठान का नाम मिला, बहुत सारी वीडियो देखी, इतना खुश हो गई, वो बोले कि 2 साल से मैं जो ढूंढ रही थी वो सारी चीजें मुझे जैन अनुष्ठान में से मिल गई। तो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की जिनको नॉलेज की जरूरत है, 16 जो दिशाएं उनका संपूर्ण ज्ञान, और कोई ऐसा बंदा है एकदम छोटी सी रूम है, एकदम छोटा, बिल्कुल 1 रुपया खर्च करने का भाव नहीं है और 1 रुपया खर्च करने की कैपेसिटी भी नहीं है, तो उनको भी कैसे अफर्मेशन के माध्यम से उनके घर की ओरा, जहां पर वो बैठता है, जहां पर वो सोता है, जहां पर वो खाता है, वो बैलेंस करे, ऐसी पावरफुल चीजें। 25 दिन का ये पूरा सेमिनार चलेगा, 18 तारीख से ये पूरा कार्यक्रम चलेगा, तो उसके अंदर आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, सभी लोग खास 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 जुड़िए, अपने घर को और ऑफिस को कम से कम, यदि आप आपके पतिदेव का कल्याण चाहते हो, आपके घर में दवाओं को फेंकना चाहते हो, स्वस्थता युक्त जीवन जितने समय आप जीना जी रहे हो, जीना चाहते हो, तो सही चीज को आप पहले जानिए, जीवन में अप्लाई कीजिए और सफलता की सीढ़ी को आप लिखिए। तो इसी प्रकार से परसों से नर्सों से हमारा ये क्लास स्टार्ट होगा। ये क्लास की कीमत 25,000 रुपया है, जो भर सकते हैं उन सभी लोगों का बहुत 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 स्वागत है। उन सभी लोगों को ही जूम का आईडी दिया जाएगा, और वो सब लोग ही 5 होंगे, 10 होंगे, 50 होंगे या 100 होंगे, जिसका पुण्य होगा वो सभी लोग जुड़ेंगे और पूरे ब्रह्मांड में खुशियों को बांटेंगे। तो खास 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 हमारी आज की मुख्य बात, खूब अगत्य की बात, एक शब्द आप खास लिख लीजिए,
रोज सुबह में आप नवकार गिनते हो, लोगस गिनते हो, वो सग्रम कोई भी मंत्र आप गिनते हो, उनके बाद की एक अपूर्व प्रार्थना, मेरा घर सकारात्मक वास्तु ऊर्जा से भरपूर है। फिर से जब तक, क्योंकि आप 7 से 8 घंटे सो रहे हो और गलत दिशा के अंदर जो मनुष्य सोता है वो कभी भी सही काम इजीली नहीं कर सकता है, क्योंकि गलत दिशा आपकी बॉडी की काफी सारी, और इसी कारण आप 8 बजे भी उठेंगे, सुबह में 9 बजे भी उठेंगे, आपको बगासी आएगी, आपको नींद पूरी नहीं हुई ऐसा फील होगा, शरीर में भारी भारी भारीपन लगेगा। तो खास अपने घर की, कल मैं आपको 27 पॉइंट लिखाने वाला हूँ, कल सब लोग आ सकते हो, कल सभी को इसी जूम आईडी से जुड़ना है। परसों जो हमारे स्टूडेंट रहेंगे उन सभी को हम लोग व्हाट्सएप से और एप्लीकेशन से नया जूम का आईडी भेज देंगे, और 25 दिन तक लगातार 9 बजे से 9:45 तक ये हमारा पूरा कोर्स, हीलिंग की पूरी प्रोसेस, पूरा हवन, पूरा अनुष्ठान के अंदर हम सभी लोग जुड़ करके कम से कम हमारा घर ही हमारा स्वर्ग बन जाए, हमारा घर ही हमारा मंदिर बन जाए, और रोम रोम के अंदर स्वस्थता, रोम रोम के अंदर समृद्धि और दुनिया की सारी खुशी, सारा एंजॉयमेंट हम कर सके। तप त्याग के साथ में, आराधना के साथ में, जो जो भी लोगों ने कुछ विशिष्ट कोटि की तपस्या की है उन सभी तपस्वियों को प्रणाम करते हुए, आज आप लोगों ने खास करके इसके टॉयलेट संबंधी जितने भी जो नेगेटिविटी है वो सब चीजों को जाना होगा, समझा होगा। आइए सभी लोग आंखें बंद करते हुए पंच परमेष्ठी का हम संस्मरण कर रहे हैं कि ये पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान मेरे घर की समस्त ऊर्जा को संतुलित बनाए। बराबर पिरामिड मुद्रा के अंदर बैठ जाइए, कमर से सभी लोग टट्टार हो जाइए, चश्मा जिन्होंने पहना है वो सब लोग 2 मिनट के लिए निकाल देंगे। प्रभु को प्रार्थना करते हुए, भगवान की शुक्रिया अदा करते हुए, प्रभु आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है, आपके दिव्य आशीर्वाद से मैं मेरे जीवन के अंदर उत्तम सफलता को प्राप्त करूं। गहरी गहरी सांसें लेते रहिए सभी लोग, कमर से थोड़े से डट्टा, युगादि देव आदिनाथ भगवान को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, भक्तामर स्तोत्र को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, मानतुम सुरेश्वर जी महाराजा को मेरा कोटि कोटि नमस्कार हो, मैं रोम रोम से पूर्ण स्वस्थ बन रहा, मेरी अमाप समृद्धि बढ़ रही है, मेरा चित्त मन पूर्ण रूप से धीरे धीरे शांत हो रहा है, धीरे धीरे मंद मंद स्वर से पंच परमेश्वर भगवान की जो यह अद्भुत स्तवनावली है, चतुर्मास की परम पावन अवसर के अंदर, हे प्रभु आपके शरण में मेरे आत्मा को परमात्मा बनाओ, यही मेरी मंगल भावना है। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, सीध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, सीध सहारा आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, सर्व साधु
सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा। सभी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। खूब 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 सभी को प्रणाम। सभी के जीवन के अंदर बहुत 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 खुशहाली आए, बहुत बहुत प्रसन्नता आए। जो भी नए नए लोग जुड़े हैं, जिन्होंने एप्लीकेशन के अंदर अपनी फोटो अपनी वीसीस नहीं डाली है, वो जल्दी से जल्दी डाल दीजिए। गुरु पूर्णिमा से जो हवन चालू होने वाला था अहमदाबाद में, बहुत बारिश के कारण वो थोड़ा सा लेट हुआ है। श्रावण सुद पूनम से 51 दिन तक आपको सभी को सुपर पावरफुल हीलिंग दी जाएगी। तो उसके लिए आपका आपके परिवार का 3 मेंबर जो नए बने हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं डाले हैं, फटाफट फटाफट एप्लीकेशन के अंदर जाइए। आपका फोटो, आप किसी और के लिए भी प्रेयर कराना चाहते हैं, इस सामूहिक ऊर्जा से आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। बहुत बहुत दिल से मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। कल वापस 27 पावरफुल टिप्स के साथ में हम मिलेंगे। और परसों अहमदाबाद के अंदर समता चैरिटेबल ट्रस्ट नारायणपुरा विस्तार की बहुत बड़ी हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब करीबन 50 साल से अखंड भक्तामर का जाप कर रहे हैं और जैन अनुष्ठान के साथ में जुड़े, इतना उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ। उनके हॉस्पिटल के अंदर भक्तामर हीलिंग का कैंप रखा गया है। तो अहमदाबाद के अंदर जो लोग रहते हैं, संडे के दिन सुबह में 9 से 11 वाड़ज विस्तार के अंदर, फेसबुक पर मैंने सारी डिटेल डाल दी है। अब सभी लोग सादर सादर, इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी आज मान रहे हैं कि दवाई से भी बढ़कर यदि कोई चिकित्सा है, उस चिकित्सा का नाम है मंत्र चिकित्सा। रविवार बराबर वाड़ज के अंदर सुबह में 9 से 11 वाटर थेरापी, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, और अंगुलियों से अपने हाथों से कैसे चिकित्सा करें, अपनी अंगुलियों से कैसे ऊर्जा का विनिमय करें, सामने वाले व्यक्ति को अनुभव कराए, उसकी विशिष्ट बातें मैं वहां पर लाइव सिखाने वाला हूँ। तो खास 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 सभी लोग पधारे, आज आप सभी लोग पधारे, सभी को बहुत 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 प्रणाम है। कल वापस 9 बजे से 10 बजे के बीच में हम विशिष्ट स्वाध्याय करेंगे। तृप्ति जी छेड़ा, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र, नमस्कार। देखो लगभग लोगों को, खास आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि लगभग हमने सभी को एक नंग फ्री रक्षा कवच भेज दिया है, फिर भी कोई आपके परिचित में है और बाकी रह गया है। हमारा प्राण संकल्प है कि हर उस व्यक्ति तक रक्षा कवच एक नंग जो फ्री है हो जाए। 5 औषधि 5 रक्षा कवच और स्प्रे की कीमत 500 रुपया है, लेकिन जो फ्री वाले हैं उन्होंने ना तो पेज लाइक किया है ना सब्सक्राइब किया है। जो रूल्स बनाए हैं खाली ओनली फॉर 100 लोगों ने किया हुआ है। यदि आप चाहते हो कोई भी चीज आप फ्री में चाहते हो, जब हम भी दे रहे हैं, हमारा संकल्प है कि 1 लाख लोग जब भक्तामर गिनेगा उसका पुण्य से जैन अनुष्ठान का और अभ्युदय होगा। तो हम चाहते हैं कि हजारों लोग 17 तारीख को सुबह में वाड़ज में भी वहां सेमिनार में मैं टोटली करीबन 300 लोगों को फ्री में देने वाला हूं। शाम को एक होटल के अंदर मेरा मेडिटेशन, हमारे समाज के करीबन 200 लोग आने वाले हैं, वहां पर भी हम लोग टोटली फ्री ऑफ चार्ज देने वाले हैं। तो जब हमने बोला है तो हम आपको देना चाहते हैं, पर जो नियम है उसका पालन करते हुए आपके पूरे समाज, पूरी बिल्डिंग, पूरा संघ, सब लोग ज्यादा से ज्यादा इस भक्तामर रक्षा कवच, और रक्षा कवच तो ऑनलाइन भी आपको शायद मिल जाए, पर उसमें जो ऊर्जा है और उनके साथ जो हमने औषधि दी है, इतनी मेहनत करीबन 3 महीने तक हमारी पूरी टीम ने माउंट आबू से लेकर गिरनार से लेकर हिमालय से ऋषिकेश से हरिद्वार से ऐसे बड़े बड़े गांवों के जंगलों में जाकर के वनस्पति लाए हैं और घूट घूट करके हमने आपको भेजी। उसकी जो सुगंध है काली, वो भी आप सूंघ लोगे
तो आपका लगेगा हमने ऐसी दिव्य औषधि नहीं देखी है। तो खास आप उस औषधि से द्वारा स्नान कीजिए। मेरे आगे आने वाले सारे पूजनों में उसी औषधि से आपको पूजा करना है, उसी औषधियों का पानी बना करके अभिषेक करना है। तो अभी से फटाफट 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 ये सारी दिव्य चीजों का उपयोग करते हुए आप सभी का कल्याण हो, मंगल हो। सभी के पार्सल आज निकल चुके हैं, कल भी 200 पार्सल निकल चुके हैं। इस वीक के अंदर शनिवार को या लेट टू लेट सोमवार को जिन्होंने भी पैसा दिया है उन सभी लोगों को मिल जाएगा। जिनका बाकी है वो चारों रूल्स को फॉलो करें तो हम आपको भी जल्दी से जल्दी मिल भेज देंगे। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। नमस्कार।